गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। आज हमारे लाइफ ओके के स्टूडियो में आए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जैसे हमारे आदरणीय तौफीक भाई साहब, जिनके बारे में कुछ भी कहना ऐसा है मानो सूरज को दिया दिखाना, जो समाज के हर वर्ग, हर जाति के इंसान से मिल करके और उसके भावों को समझ करके अपनी पूरी शिद्दत से, अपनी पूरी ताकत से उसको राहत पहुँचाने का काम करते हैं। और वो ऐसा निरंतर कई वर्षों से करते आ रहे हैं। लगभग 30 वर्षों से वो राजनीति में सक्रिय राजनीति कर रहे हैं और वरिष्ठ नेताओं में उनका उठना बैठना है, वरिष्ठ उनकी काफ़ी बैठ है पार्टी में और लोग उनको जनता का नेता मानते हैं। आइए हम उनसे आज आपको सीधे रिवर्व कराते हैं, आदरणीय तौफीक भाई से। तौफीक भाई, आप बताइए हमारी जनता को कि आप इतने वर्षों से सक्रिय राजनीति कर रहे हैं और जहाँ से आवाज़ आती है आप चले जाते हैं, हालांकि पारिवारिक दबाव भी होता है, लोग आपको बोलते भी होंगे कि आप घर वालों की फिक्र नहीं कर रहे, बाहर वालों की फिक्र कर रहे हैं, तो इतना संघर्ष करना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है सेवा के क्षेत्र में काम करना, किस तरह से आप करते हैं? सर, एक कहावत है कि अपनों के लिए और अपने लिए तो हर इंसान जीते, दूसरों के लिए जो जिए वो इंसान। इसी कहावत को ले जो है उसी के पीछे मैं चलता हूँ। जैसा आपने कहा कि कैसे करते हैं, एक समाज सेवा मेरा बचपन से शौक है और लोगों की मुसीबत में, दुख में, परेशानी में काम आना यही इंसानियत है और वही सब लेकर मैं ये सब करता हूँ, चाहे राजनीति के माध्यम से हो, चाहे समाज सेवा के माध्यम से हो, लोगों के दुख दर्द में खड़े रहना ये मेरा शौक है और यही मेरा मिशन। भाई, अभी आप हमको बताइए कि आपने चुनाव लड़ाए नगर निगम का, वार्ड क्रमांक 14 जो आज 14 है उसमें 12 था, और आप कांग्रेस के ऐसे व्यक्ति के सामने थे जिसे 25 साल का अनुभव था और आपने लोगों के बीच जाकर के जो आपके काम थे वो लोगों तक पहुँचे और लोगों ने आपको प्यार देने का भी काम किया, मत देने का भी काम किया, लेकिन उस समय आपकी रणनीति सफल रणनीति में नहीं बदल पाई, क्या कारण रहा उसका? सर, आपको पता है शारीरिक सर जहाँ से मैं चुनाव लड़ा था वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो बहुत दूर की बात है, झंडा भी नहीं लगता। आप क्षेत्र के बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, उस क्षेत्र के अंदर कभी कोई कार्यकर्ता के नाम पर पार्टी का कोई नहीं था और पूरे क्षेत्र क्योंकि कांग्रेस वाले क्षेत्र इस भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर काम नहीं कर पाती, वहाँ कार्यकर्ता नहीं मिल पाते। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि मैं जिस जगह से चुनाव लड़ा था वहाँ पर जो मेरे खिलाफ़ चुनाव लड़े थे वो बहुत पैसे वाले और बहुत रसूख वाले, और वहाँ के जो विधायक हैं 20 साल से वे हमेशा उनके खास सीधे सालार थे और उनको इतनी मशक्कत करना पड़ती थी चुनाव में कि आरिफ वकील जो विधायक हैं वो बराबर उनके चुनाव करते रहते थे, मुझे जाने की चिंता थी, बहुत बड़ी चिंता रहती थी। तो मैंने बहुत अच्छा वहाँ पर परफॉर्मेंस किया, अच्छे वोट लिए, जहाँ पर कभी 10 वोट भी नहीं मिलते थे वहाँ 200-200 वोट लोगों ने उसको बोले दिए, लेकिन मेरे लिए खुशी की बात थी, मैंने बहुत अच्छा काम वहाँ पर खड़ा किया और बाद में भी वहाँ पर उनकी सेवा के लिए हमेशा लगा देता हूँ। आज भी अगर मेरे साथ में बदल के देखिए, अभी आगामी महीने में चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को आदेशित करेगी, उनको आदेश देगी कि विधानसभा सीटों से चुनाव लड़े। अगर पार्टी आपको आदेश देती तो क्या आप उत्तर विधानसभा से कमान संभालने को तैयार? नहीं नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने का मेरा कोई सोच भी नहीं है, शौक भी नहीं है। वो तो पार्टी ने एक बार मुझे चुनाव लड़ाया और गांठ के लड़ाया कि चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता था चुनाव लड़ना है लेकिन हारना है, इसलिए मेरी इच्छा नहीं रहती हारने की और लड़ने की। लेकिन पार्टी ने कहा था मुझसे कि नहीं तुम्हें लड़ना पड़ेगा, चुनाव जीत हो या लड़ना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद कभी कोई इच्छा नहीं रहती। हालांकि आप जनता के नेता हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कभी कुछ आपको निर्णय पार्टी का लग सकता है कि वो आपको सही नहीं लगता, तो क्या ऐसे समय पर, ऐसे विकट समय पर कुछ लोग बड़ी गलतियाँ कर देते हैं, पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं? भविष्य में अगर कभी ऐसा आपके साथ हो तो क्या निर्णय होगा? सर, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं हकीकत बताऊँ आपको, मैं भारतीय जनता पार्टी से उस समय से जुड़ा हूँ जब जिस क्षेत्र में मैं रहता था वो 80% हिंदू बहुल क्षेत्र था,
लेकिन वहाँ पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में एक हमारा वार्डन सेक्रेटर था। मैंने उस समय से काम शुरू किया और जो मुस्लिम हमारे भारतीय जनता पार्टी में 10 से 12 मुस्लिम पूरे भोपाल जिले में हुआ करते थे। उस समय राजनीति में मैं आया और मैंने काम शुरू किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि चुनाव लड़ूंगा, कभी सरकार बनेगी, इसलिए मुझे किसी प्रकार की कोई लालसा या लालच नहीं है। जो पार्टी काम देती है जबकि चुनाव में मैं वो काम सराहते करता हूँ। आरिफ भाई साहब एक ऐसी शख्स हैं जिनके आप बहुत चाहते रहे, आपको अपना लाडला मानते थे, एक बेटे का स्थान देते थे आपको और काफ़ी कुछ सीखा आपने उनसे। तो आज आरिफ भाई साहब नहीं है लेकिन उनके विचार अब उनकी धरोहर को संजोने का काम आपका है, आपका दायित्व है। तो इस पर आपने क्या अभी तक अपना योगदान दिया है और आगे किस तरह से आप योगदान देंगे? अंतिम सवाल, आरिफ भाई निश्चित रूप से बहुत बड़े नेता थे और मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात थी। जब मैं चुनाव लड़ा था तो वो रोज़ मेरे पास आते थे, रोज़ एक एक दिन में 3-3 सभाएं करते थे उस छोटे से वार्ड के अंदर। ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात थी। वो मुझसे काम भी बताते थे, मैं उनके काम के लिए हमेशा तत्पर रहता था। ऐसे नेता जिनके लिए मैं हमेशा हर काम के लिए तैयार रहता था, आज उनका हम लोगों ने भोपाल के कुछ बुद्धिजीवी और सामाजिक लोगों ने मिलकर तय किया कि उनके नाम से कुछ शुरू किया जाए। हमारे इकबाल भाई दिल्ली के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है और भोपाल आए और एक आरिफ बेग विचार मंच के नाम से गठन किया। आगामी समय में आरिफ बेग के नाम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर कार्यक्रम करेंगे और उसकी शुरुआत हम भोपाल से करेंगे। उनके जन्म की पुण्यतिथि जो 5 सितंबर को होने वाली है, उस 5 सितंबर को जो पुण्यतिथि है वहाँ से हम उसका आगाज करेंगे। आरिफ बेग के मिशन के विचार को हम देश भर में पहुँचाने का काम। लाइफ के चैनल के बारे में आपके लाइफ के चैनल, क्योंकि जावेद भाई का चैनल है, जावेद भाई मैंने चैनल यहाँ पर आकर देखा। जावेद भाई बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और जावेद भाई का ये चैनल बहुत आगे जाए, हिंदुस्तान में इसका नाम हो और यहाँ से उठकर जो बड़े बड़े चैनलों के आते थे वहाँ पर जाए। मैं यही दुआ करता हूँ कि बहुत अच्छा चैनल है जावेद भाई का।